हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल के अंदर खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, कभी कभी हमें कॉलम्स को हाइड करने की जरूरत पड़ती है। अब ये एक कॉलम है, इसे मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं। और ये भी एक कॉलम है, इसे भी एक डिफरेंट कलर में प्रोवाइड कर देता हूं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड भी कर दिया है। तो मान लीजिए ये सी वाले कॉलम को आपने हाइड कर दिया यहां से जाकर के, और ये हाइड ऑप्शन आएगा, इस पर अगर क्लिक कर देते हैं तो ये हाइड हो जाता है, ठीक है। और इसको भी हाइड कर दिया है, यहाँ पर जाकर के हाइड पर क्लिक करेंगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। तो इसको लाने का तरीका कई हो सकता है, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। क्या है वो शॉर्टकट ट्रिक, आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है पहले तो सेलेक्ट करना है पूरे को, तो कंट्रोल से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप प्रेस कीजिए अल्ट, फिर प्रेस कीजिएगा एच, फिर प्रेस कीजिएगा ओ, फिर प्रेस कीजिएगा यू, और फिर प्रेस कीजिएगा एल। तो जैसे ही करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाएगा, देख सकते हैं ना कितना आसान है ये। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।